सरायकेला विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी गणेश महली को हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन उन्होंने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए रीकाउंटिंग यानी कि मतगणना को दोबारा कराने की डिमांड कर दी है। इस बीच गणेश महली रीकाउंटिंग डिमांड को पूरा न करने से नाराज होकर मतगणना स्थल पर ही धरना देने बैठ गए। भाजपा प्रत्याशी चंपई सोरेन से 20,508 मतों से हारने वाले प्रत्याशी गणेश महली ने कहा कि जिला प्रशासन ने सरायकेला विधानसभा सीट के लिए काउंटिंग में तेजी दिखाई है, जिससे हमारे काउंटिंग एजेंट को संतुष्टि नहीं है। उन्होंने डीसी को लिखित आवेदन दिया है कि दोबारा मतगणना कराई जाए, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा इस पर फिलहाल कोई कदम नहीं उठाया गया है, जिससे झामुमो के समर्थकों में और प्रत्याशी गणेश महली में नाराजगी है, जिसके चलते वो सब धरना पर बैठ गए हैं। इस बीच चंपई सोरेन भी सर्टिफिकेट लेने मतगणना केंद्र पहुंच चुके हैं। चंपई ने कहा कि यह जीत सरायकेला की जीत है और सरायकेला की जनता की जीत है। वहीं राज्य भर में एनडीए को प्राप्त जनादेश को उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। रुक जाइए, दो मिनट सबको आने दें। देखिए, हम लोग रिकाउंटिंग करने के लिए हम लोग लिखित आवेदन 4 घंटा पहले से दिए हुए हैं और उस पर अभी तक डीसी साहब और एडीओ साहब कोई जवाब दिया नहीं और उसको निर्वाचित कैसे घोषित कर दिया है, जबकि सबका 261 नंबर बूथ से लेकर 210 नंबर बूथ तक जो 7वां राउंड तक जो मतगणना को देखा गया उसमें कई बूथों में कई तरह के त्रुटि आपको देखने को मिला है और एक तरफा आपका जो आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में 86,000 कुछ पोलिंग हुआ है गमार से लेकर अरेटी आदित्यपुर के बीच में और 45,000 वोट का बढ़त आपका बीजेपी को दिखा रहा है, जो इतिहास में ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। एक तो वहाँ पोलिंग परसेंटेज कम हुआ है, उसके बाद भी कई बूथों को जब हम लोगों ने आपका समीक्षा किया तो देखा कई बूथों में कई तरह का त्रुटि देखने को मिला। आपका जो 13 तारीख को जो वोटिंग का दिन जो आपका ईवीएम मशीन और जो बैटरी यूज किया गया था, मात्र दिन भर जो बैटरी को यूज किया गया है वो मात्र 2% ही बैटरी का आपका ये हुआ डाउन हुआ आपका 98% आप अभी तक बैटरी चार्ज दिखा रहा है। तो इस तरह का कई हम लोग इस बात को डीसी साहब के सामने और ऑब्जर्वर के सामने भी बात को रखा गया है। लिखित आवेदन देने के बाद भी अभी तक को आपका रिटर्निंग ऑफिसर कुछ भी जवाब दिया नहीं है और जब हम लोग बार बार मांग करते रह गया उसके बाद भी अभी तक रिकाउंटिंग करने के लिए अभी तक कोई प्रक्रिया को लोग पहल नहीं किया, जिसका चलते अभी हम लोग अनशन में बैठे हैं। बिना आपका रिकाउंटिंग का आपका निर्वाचित कैसे घोषित कर सकते, जब हमने रिकाउंटिंग के लिए दावा कर रहा है, रिकाउंटिंग के लिए मांग कर रहा है, जब तक इस बात पे कोई डिसीजन नहीं होता उसके पहले आप किसी भी व्यक्ति को निर्वाचित कैसे घोषित कर सकते। जीत हासिल हो गया, क्या कहें? दो मिनट विधानसभा जीत है, जो राज्य जनादेश मिला उसके संबंध में वो सम्मान करता हूँ। चले चले चले।